हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली गाइस 1200 आरपी की सारी लीक्स निकल के आ चुकी हैं। चलिए देखते हैं, काफ़ी औसम है। मतलब सी वन एस वन जो आया है वो इसमें 50-50 आरपी के दोनों पार्ट्स हैं, दोनों ही बहुत ही कमाल के। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं फ्री वाले विभाग पे। ये है C1S1 मास्क। ये आई थिंक प्लेटिनम पे होना चाहिए या तो फिर गोल्ड पे मिलेगा, लेकिन मास्क तो जनरली प्लेटिनम पे ही मिलता है, तो ये प्लेटिनम का होगा। गोल्ड का ये ग्रेस होगा जो कि फ्री मिलने वाली है गोल्ड पे, 5 मैच खेलने पे जो मिलती है वही होगी ये। मास्क में भी प्लेटिनम पे होगा। अभी इसमें ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, लेकिन C1S1 सेट है ये, तो ये गोल्ड पे होगा। और मास्क जो है वो डेफिनेटली आपका प्लेटिनम पे ही मिलने वाला है। ऑक की स्किन डेफिनेटली ये डायमंड पे मिलेगी। ये ऑग काफ़ी खूबसूरत लग रही है मुझे तो। पिछली बार मिली थी फ्री में, वो बहुत ही बेकार सी स्किन थी, लेकिन ये गोल्ड एंड वाइट ब्लू कलर के साथ बहुत ही ऑसम ओपी लग रही है। ये डेफिनेटली डायमंड पे होगी, डायमंड ये पहुंचने पे ही है ये ऑग। ये भी डेफिनेटली फ्री है, बिना आरपी वाली है। और ये है हमारा पैराशूट जो कि एक पे पहुँचने पर मिलेगा। एज यूजल क्राउन पे कुछ नहीं मिलता, वही 3 वेकिंग प्रोडक्शन तो वही होगा शायद। ये है हमारा एक का लोगो और कॉन्कवर का फ्रेम। अब रॉयल पास के फर्स्ट पास का ट्रेलर भी देख लेते हैं। ट्रेलर तो काफ़ी ख़तरनाक है। टेक एवा 1 का M1 का है ये। अब उसके बाद आइए देख लेते हैं रॉयल पास पॉक्स है ये हमारे। क्या क्या हैं इसमें? सिक्सगढ़ यूसी मिलेगी एज यूजुअल। अब है गाइज हमारा ट्रिगल वॉगुड मास्क, ये मिलेगा हमें लगता है फर्स्ट आरपी पे ही मिल जाएगा ये तो। अब ये है ट्रिगल वॉगुड सेक, काफ़ी खूबसूरत है गाइस, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ओपी। ये भी लीजेंडरी आउटफिट है, ये भी 1 आरपी पे ही मिलेगा जहाँ तक। फर्स्ट आरपी पे ये मास्क और ये दोनों एक साथ ही मिलने वाले हैं। ये M15 की स्किन है गाइस, M15A4। ये क्यों दिया है पता नहीं, डस्ट कैमो सॉल्जर, लेकिन M15A4 की जगह कुछ और देता तो कुछ ज़्यादा अच्छा था। ये भी लीजेंडरी है हालाँकि। ये वही का जिसका वेल वाव गजब भी ख़तरनाक की स्किन दी है भाई साहब, मज़ा आ गया। ये तो पक्का, मतलब मैं अगर वेल पास ना भी लेता तो इसके लिए तो जरूर ही लेता, इतनी अच्छी है ये, बहुत ही अच्छी है टेडल वॉर गुड बहुत ही। ये ऑर्नामेंट है, ये भी काफ़ी प्यारा सा ही है, अच्छा है। बैक पे देखेंगे, बैक तो अभी इसमें कुछ दिख नहीं हुआ। ये हमारा हेलमेट, ये भी थर्ड वाला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है थर्ड लेवल का। ये 1 लेवल 1 का है, लेकिन थर्ड लेवल पे कमाल का लग रहा है। अब चलते हैं मिथिक आउटफिट की तरफ। ये है हमारा नाइट स्टाकर सेट एंड हेड गियर। नाइट स्टाकर सेट और हेड गियर दो मिथिक इसमें मिलेंगे, इसका मतलब दो यहाँ मिलेंगे, दो तो वहाँ पर भी मिलेंगे ही। तो इस बार मुझे लगता है कि 4 मिथिक मिल जाएंगे हमारे सीजन में, तो मिलने भी चाहिए क्योंकि 2 आरपी का हो गया ये, तो 2-2 करके तो ये अच्छा हुआ। पहले एक पूरे एक सीजन में 2 मिल पाते थे, अब 4 मिल जाएंगे। तो चलिए ये जो भी है सब ले दे के, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये, काफ़ी मिथिक जैसा है, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा है मिथिक आउटफिट। नाइट स्टाकर कवर एंड नाइट स्टाकर हेड गियर दोनों काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हमारे हो गए। ये हमारा इमोट है एक, ये लीजेंडरी इमोट है नहीं, ऐसे ही है, हा 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 है, इसका नाम भी हा 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 है। तो इमोट भी हमारा अच्छा ही है, जो भी है कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इमोट तो मेरे ख्याल से और भी मिलेंगे, फ्री वाले होंगे एक आग, इसमें आगे चल के भी शायद 1-2 इमोट और हमें देखने को मिल जाए फिलहाल। और ये वही हमारी बाइक नियॉन हॉपर 2 सीट मोटरसाइकिल, ये अपग्रेडेबल है गाइक, इसमें ये लेवल 1 है,
लेवल 1 पे कुछ खास नहीं है, बस आगे एनपी के थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। ये लेवल 2 है, लेवल 2 पे थोड़ा सा इसका वाइजर बढ़ा दिया है इन्होंने, जस्ट लाइक अ हायाबुसा, तो वैसा कुछ करके, लेकिन अच्छी है ये। आई थिंक इम्पाला की है, मैंने पढ़ा था कहीं इम्पाला का कुछ करके, हाँ इस पर लिखा भी है इम्पाला। ये इम्पाला ये थर्ड लेवल है, अच्छी है। तो गाइस ये तो था M1, अब M2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। भाई साहब तो क्या ही ख़तरनाक ट्रेलर बनाया है इन्होंने, प्रोजेक्ट टी। आइए देखते हैं इसके पक्ष, इनमें भी एक लीजेंड भी तो है ही, जो लीजेंड भी नहीं सॉरी मिथिक। आइए देख लेते हैं इसका क्या सीन है। ये वहा गाइस हमारा मरीन वगैरह का कवर, ये लीजेंड भी है लेकिन काफ़ी अच्छा सा है ये हेलमेट या मुंडा जो भी है इसका, लेकिन लीजेंडरी आउटफिट है, बहुत ही कमाल का है ये। अब इसके साथ मरीन वेगेकर सेट, इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है ये। इसके अलावा एक और लीजेंडरी आउटफिट है यहाँ पे कोई, ये रहा, ये भी अच्छा है, इसके सींग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये रही इसकी ड्रेस की, काफ़ी चमकीली यार, ये तो मिथिक होनी चाहिए थी, काफ़ी अच्छी है। देखो इसके फर वगैरह भी हिल रहे हैं, मिथिक जैसा ही है ये कुछ कुछ, लेकिन है ये लीजेंडरी आउटफिट, लेकिन कमाल का है, मस्त है। लेकिन दो दो लीजेंडरी हैं ये, दोनों मिलेंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि एक लेडी एंड जेंट्स वाला कॉम्बिनेशन हो या ऐसा कुछ हो, जो भी हो आते ही पता चल जाएगा, या दोनों भी हो सकता है। और ये रही ऊँची हमारी मरीन मवाड़ा भी ऊँची, वाह यार ओपी, ये तो खतरनाक है भाई साहब, मतलब मज़ा ही आ गया ऊँची के, अब तो मतलब क्या ही कहने। और जिसका मुझे इंतज़ार था, इसके बारे में काफ़ी टाइम से मैं सुना था MK4 MK4, लेकिन क्या ही लग रही है भाई, बवाल है MK4 के, क्या कहने यार, मस्त एकदम। प्लेन ठीक ठाक है लेकिन तो उतनी भी अच्छी नहीं है कुछ, और ज़्यादा अच्छा अगर ये प्लेन देते तो मज़ा ही आता, लेकिन फिर भी जो है सही है इन्होंने जो भी दिया। अब ये भाई जय वीरू को इन्होंने ख़तरनाक बनाया है, वाह, मतलब ये देख रहे हैं आगे जो शीशे कांच लगे होते हैं वहाँ पे इन्होंने एक शील्ड लगा दिया, अब ये गद्दी वद्दी लगा के पूरी एकदम मस्त, क्या ही ख़तरनाक ओपी, एकदम रॉयल जैसा नहीं लग रहा कुछ, हाँ एकदम वाकसा ही लुक दे दिया इन्होंने। अब ये इसके मज़े अलग हो जाएंगे। ये वहाँ हमारा ग्वेनेग, ग्वेनेग भी कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, जो भी है अच्छा लग रहा है लुक। बैकपैक भी हमारा लेदर है, कुछ कुछ लेदर जैसा इस पे लग रहा है, मतलब अच्छा है। लैपिक पैरियर बैकपैक लेवल 1 एंड सेकेंड है ये खा हो गया, अच्छा है, सही दिख रहा है। ये वहाँ पैराशूट, ये भी आई थिंक फ्री में मिलने वाला है हमें। और गाइस अब बारी है हमारे मिथिक आउटफिट की, ये वहाँ हमारा मरीन मवाड़ा कवर, मिथिक है ये, काफ़ी अच्छा है। और ये मरीन मवाड़ा सेट बहुत ही कमाल का है गाइस, बहुत ही। तो गाइस अब बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ये रॉयल पास आएगा मैं तो उसी दिन लेने वाला हूँ, आपके लिए वीडियो भी बना के जरूर भी पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। How heavy is that? Like work in the bass on the track on my feet.